जहां एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे किसान 19वें दिन भी डटे हुए हैं, वहीं सत्ता का सिक्का उछालकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों के समर्थन में अनशन करने का फैसला किया है। और साथ ही में उद्धव ठाकरे ने भी बीजेपी पर हल्ला बोल दिया है। कोरोना का खतरा और गिरते पारे के बीच उनकी ये बड़ी लड़ाई अभी भी जारी है। भारत बंद और सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद किसान नेताओं ने अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। किसान संगठनों ने कहा है कि वे दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सोमवार को दिन भर के लिए अनशन करेंगे। जब राजस्थान से दिल्ली रवाना हुए किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोक लिया गया तो किसान वहीं धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर कृषि कानूनों के खिलाफ गुस्सा जारी है। वॉशिंगटन में खालिस्तानी अलगाववादियों के सदस्यों ने भारत के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे वहां मौजूद किसानों के समर्थन में सिख अमेरिकी युवाओं द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। ग्रेटर वॉशिंगटन डीसी क्षेत्र, मैरीलैंड और वर्जीनिया के आसपास के सैकड़ों सिखों के साथ साथ न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, इंडियाना, ओहियो और नॉर्थ कैरोलिना के सिखों ने भी शनिवार को भारतीय दूतावास तक कार रैली निकाली। वहां सभी प्रदर्शनकारी किसानों का साथ देने के लिए एकत्र हुए थे। हालांकि शांतिपूर्ण विरोध जल्द ही अलगाववादी सिखों द्वारा हाईजैक कर लिया गया, जो भारत विरोधी पोस्टर और बैनर के साथ खालिस्तानी झंडे लहरा रहे थे, जिसमें कहा गया था कि वे खालिस्तान गणराज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान समर्थक की युवा वहां मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कूद पड़े और उस पर पोस्टर चिपका दिया। समूह भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक के नारे लगने लगे। भारतीय दूतावास ने प्रदर्शनकारियों के रूप में गुंडागर्दी करने के लिए शरारती कृत्य की निंदा की। एक बयान में कहा गया कि 12 दिसंबर 2020 को खालिस्तानी तत्वों द्वारा दूतावास के सामने महात्मा गांधी मेमोरियल प्लाजा में महात्मा गांधी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था। दूतावास ने प्रदर्शनकारियों के रूप में गुंडों द्वारा इस शरारती कृत्य की कड़ी तरीके से निंदा की। दूतावास ने कहा कि उसने अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने एक मजबूत विरोध दर्ज किया और राज्य के विभाग के साथ इस मामले की प्रारंभिक जांच और लागू कानून के तहत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी मामला उठाया है।